सभी दीदियों को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसी हैं दीदी? हम सब बहुत अच्छे हैं दीदी। क्या आप लोगों को पिछले बैठक की चर्चा याद है? पिछले बैठक में हम लोगों ने सीखा था कि पोषण बगीचा हर घर में होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत कम खर्चे में आसानी से बनाया जा सकता है और इससे सालों भर मौसमी हरी सब्जियां एवं फल प्राप्त किए जा सकते हैं। पोषण बगीचा से कई प्रकार के फल और सब्जियां प्राप्त करके भोजन विविधता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। वाह दीदी, आप लोगों को तो सभी बातें बहुत अच्छे से याद है। और गुणवंती दीदी, मीना और खुशबू कैसी हैं? खुशबू तो अब 7 महीने की हो गई, उसे माँ के दूध के साथ साथ समय से ऊपरी भोजन खिला रही है ना? हाँ दीदी, पर पिछले महीने खुशबू को 2 बार दस्त हो गया था। वह ठीक से कुछ खा भी नहीं रही थी और स्तनपान भी कम कर रही थी। हम तो बहुत परेशान हो गए थे। ओह, ये तो सच में परेशानी वाली बात है। फिर आपने क्या किया दीदी? तभी हमारे घर स्वास्थ्य उपसमिति की सदस्य सरोज दीदी और बबली दीदी आईं और उन्होंने हमें दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों के बारे में बताया और उनसे बचने के लिए 5 साथी के बारे में भी बताया। अब तो खुशबू बिल्कुल स्वस्थ है। दस्त और निमोनिया और 5 साथी, ये सब क्या है दीदी? जरा हमें भी विस्तार से बताइए। जानलेवा बीमारियां जैसे दस्त और निमोनिया हमारे बच्चों को बार बार परेशान करती है। दस्त से बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बच्चा कमजोर हो जाता है। निमोनिया से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है और इन बीमारियों से बच्चों में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इन जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए हमारे 5 साथी हमारी मदद करेंगे। क्या कोई भी दीदी बता सकती है कि 5 साथी कौन कौन है? हमें नहीं पता दीदी कि ये 5 साथी कौन कौन है, आप ही हमें बता दे। दीदी, हमारे 5 साथी हैं साबुन, ORS, पौष्टिक आहार, शौचालय एवं टीकाकरण। वो कैसे दीदी? और ये साथी हमें दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों से कैसे बचाते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। दीदी, सबसे पहला साथी है साबुन। दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों से बच्चों एवं परिवार का बचाव हम साबुन के सहारे आसानी से कर सकते हैं। गंदगी और गंदगी से फैलने वाले कीटाणुओं को दूर रखने के लिए हमेशा साबुन से सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। घर का हर सदस्य अगर नियमित रूप व सही तरीके से साबुन से हाथ धोए तो कीटाणुओं का फैलना कम हो जाता है। दीदी, साबुन से हाथ धोने का सही तरीका क्या है और हमें कब कब साबुन से हाथ धोना चाहिए? खाना बनाने, खिलाने और खाने से पहले और शौच के बाद तथा किसी भी गंदगी को हाथ लगाने के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोना चाहिए। सही तरीके से हाथ धोने के तरीके को याद रखने के लिए आपको बस एक नाम याद रखना है, सुमन कुमारी, जिसे अंग्रेजी में लिखते हैं SUMAN और कुमारी का सिर्फ के याद रखने की जरूरत है। अरे, ये तो मेरा नाम है, इससे भला हम हाथ धोने के तरीके को कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है दीदी, SUMANK। एस से सीधा, यानी कि पहले हम सीधे तरफ से अपने हाथों की सफाई करेंगे। यू से उल्टा, यानी फिर हाथों को उल्टा करके उनकी सफाई करेंगे। एम से मुट्ठी, यानी मुट्ठी बंद करके उसकी सफाई। ए से अंगूठे की सफाई। एन से नाखून की सफाई और के से कलाई की सफाई। अरे वाह, ये तो बहुत आसान तरीका है। सही तरीके से हाथ धोने के लिए अब हमें बस सुमन दीदी को याद रखने की जरूरत है। वाह दीदी, यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब दूसरा साथी कौन है? दूसरा साथी है ORS। ORS का घोल दस्त से शरीर में होने वाली नमक और पानी की कमी को पूरा कर सकता है। इसीलिए दस्त से बच्चों की जान बचाने के लिए घर में हमेशा ORS के कम से कम 2 पैकेट जरूर रखनी चाहिए। दस्त का लक्षण दिखते ही तुरंत ORS का घोल बनाकर बच्चों को पिलाना शुरू कर देना चाहिए। दीदी, ORS का घोल बनाते कैसे हैं? ORS घोल बनाने का बड़ा ही सरल तरीका है।
हाथों एवं बर्तन को साबुन पानी से अच्छी तरह धो लें। साफ बर्तन में 1 लीटर शुद्ध पीने योग्य पानी डालें, फिर उसमें ORS का एक पूरा पैकेट डालें और अच्छी तरह मिला लें। तैयार घोल को 24 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घोल पिलाने के बाद घोल को हमेशा ढक कर रखें। और एक जरूरी बात, आशा या ANM दीदी की सलाह से ORS के साथ बच्चों को जिंक की गोली या सिरप भी दी जानी चाहिए। इससे दस्त और उससे होने वाली कमजोरी जल्दी ठीक हो जाती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आशा या ANM दीदी से संपर्क कर सकती हैं। ORS तो बहुत महत्वपूर्ण साथी है। हम सब भी अपने घर में कम से कम 2 पैकेट ORS जरूर रखेंगे, क्यों दीदी? हाँ, बिल्कुल। अब तीसरा साथी कौन सा है दीदी? तीसरा साथी है पौष्टिक आहार। दीदी, जब हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए बीमारी में दवाइयों और सही देखभाल के साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार मिलना भी बहुत जरूरी है। पौष्टिक आहार शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और जल्दी ठीक होने में मदद करता है। 2 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए सही पोषण के साथ साथ स्तनपान जारी रखना भी जरूरी है। आप सही कह रही हैं दीदी, आपने पहले के बैठक में भी हमें बच्चों के लिए जरूरी पौष्टिक आहार के बारे में बताया था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले की बातें याद हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में इनका पालन भी करती होंगी। अब हम जानते हैं हमारे चौथे साथी के बारे में। हमारा चौथा साथी है शौचालय। शौचालय हमारा ऐसा साथी है जो हमें गंदगी और गंदगी से फैलने वाले कीटाणुओं से सुरक्षित रखता है। शौचालय तो हम सभी ने अपने घर में बनवाया है और उसका उपयोग भी हम नियमित रूप से करते हैं, पर ये साथी हमें बीमारियों से कैसे बचाता है, थोड़ा और विस्तार से बताइए ना दीदी। यदि कोई व्यक्ति बाहर शौच के लिए जाता है तो चाहे कितनी ही दूर क्यों न जाए, गंदगी में रहने वाले जीवाणु हवा, पानी, मक्खी, उंगली, भोजन और खेत के माध्यम से हम तक पहुंच ही जाते हैं। इन्हीं जीवाणुओं से बीमारियां हमारे परिवार और गांव में फैल जाती हैं। इसीलिए जरूरी है कि हर घर में शौचालय हो और परिवार का हर सदस्य उसका उपयोग करे, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए जाएगा तो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हम सब तक पहुँचते रहेंगे। शौचालय तो हम सभी उपयोग करते हैं दीदी, पर अब हम इस बात का खास कर ध्यान रखेंगे कि घर का कोई भी सदस्य कभी भी बाहर शौच ना करे। बहुत अच्छा दीदी, तो चलिए पांचवे साथी पर भी चर्चा हो जाए। हमारा पांचवा साथी है टीकाकरण। नियमित टीकाकरण बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने का सुरक्षित, सस्ता और प्रभावशाली तरीका है, जैसे टेटनस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, सांस संबंधित बीमारियां जैसे निमोनिया, काली खांसी, टीवी, गलघोंटू इत्यादि। इसीलिए समय सारणी के अनुसार जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। ये टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क दिया जाता है। ध्यान रहे कि एक भी टीका छूटने ना पाए। दीदी, टीकाकरण के बाद बच्चों को बुखार आ जाता है, इसलिए भी लोग टीका लगवाना नहीं चाहते हैं। टीकाकरण के बाद बच्चों को बुखार या कोई अन्य परेशानी होने पर आप आशा या ANM दीदी से तुरंत संपर्क करें। याद कैसे रखें कि टीका कब कब दिलवाना है? दीदी, संपूर्ण टीकाकरण कराने के लिए एक जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड दिया जाता है, जिसे संभाल कर रखना चाहिए। उसमें हर टीके की तारीख लिखी रहती है। साथ ही टीकाकरण या अन्य सेवाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर हर महीने में एक बार आरोग्य दिवस के आयोजन से संबंधित जानकारियां भी लिखी रहती हैं। आप वहां जाकर भी विस्तृत जानकारी ले सकती हैं। याद रखें दीदी, 5 साल में 7 बार, भूले न टीका एक भी बार। आप लोग भी इसे दोहराएं, 5 साल में 7 बार, भूले न टीका एक भी बार। धन्यवाद दीदी इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए। तो दीदी, अब आप लोग क्या बता सकती हैं, आज हमने क्या क्या सीखा? दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5 साथी हो साथ तो बच्चों की बचाए जान, और ये 5 साथी है साबुन से नियमित हाथों की सफाई, ORS, पौष्टिक आहार,
शौचालय का उपयोग और संपूर्ण टीकाकरण। बहुत बढ़िया दीदी, तो अब आप सब मेरे साथ बोलिए, पांच साथी जब हो हमेशा साथ, परिवार की सुरक्षा परना आए आज। पांच साथी हो जब हमेशा साथ, परिवार की सुरक्षा परना आए आज।